इंसान भी एक छोटे से छोटे दरख्त के पत्ते शुमार नहीं कर सकता। तो जन्नत का जो इतना बड़ा दरख्त है, एक भी नहीं, इतनी बड़ी जन्नत है और उस जन्नत में एक दरख्त की बात भी नहीं। इब्राहिम अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जन्नत में कितने दरख्त हैं, मैं उनके पत्तों को शुमार कर लेता हूँ। तो फिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे इतनी ताकत अता फरमाई है कि मैं एक लम्हे के अंदर आसमान से गिरने वाले बारिश के कतरात को गिन लेता हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे इतनी ताकत अता फरमाई है कि मैं एक लम्हे के अंदर, एक पल के अंदर जमीन पर जितने रेत के ज़र्रात हैं उनको गिन सकता हूँ। ये शान तो है जिब्रील अमीन की, जो हजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं, तो आका की क्या शान होगी। इसी की मुनासबत से शायर ने बड़ा प्यारा शेर लिखा कि ये शान है खिदमत कारों की, सरकार का आलम क्या हो, शान है खिदमत कारों की, सरकार का आलम क्या होगा, बिन देखे फिदा है हर कोई, अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ात पर बरकात पर दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आप बिला तख़ीर महफ़िल पाक का आगाज तिलावत कुरान मजीद से होने लगा है। जो दोस्त आस पास इंतज़ार में हैं कि महफ़िल का आगाज होगा तो हम जाएंगे, उनसे गुजारिश है कि जल्द अज जल्द महफल में तशरीफ लाएं और महफल की रौनक को जीनत बख्शें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह Thank you.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا سبحان الذي المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
बिस्मिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व एहसान से महफिल पाक का आगाज तिलावत-ए-कुरान से हो चुका अब नात खाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक में ही नहीं उन पर
मदीने बुलाना हमें जाने आलम मदीने बुलाना हमें जाने आलम मदीने बुलाना हमें जाने आलम तेरे पाक का हम नज़ारा करे
जज़ाकअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये थे भाई उसामा जो मोहब्बत से अपनी हाजिरी पेश कर रहे थे। अब मैं मुल्तमिस हूँ फैसलाबाद सल्लल्लाहु अलैहि कया रसूलल्लाह वसल्लम अलैका सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिलकर सबने मेरे साथ एक दो अशआर की हाजिरी पे हाजिर मिलकर पढ़ना है। सारे मिलकर पढ़िएगा। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले शफीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मद सुबह शाम अब ये ही
शक्ल रात दिन बड़ी सले नबी नासले अला मुहम्मद मुश्किल जो सर पे आ पड़ी तेरे नाम से टली मुश्किल जो सर पे आ पड़ी अका तेरे मुश्किल कुशा है तेरा नाम तुझ पर दुरूद और सलाम मुश्किल कुशा पूंछ पड़ जाए मुश्किल कुशा है तेरा नाम तुझ पर दुरूद और सलाम मुश्किल कुशा है तेरा नाम तुझ पर दुरूद और सलाम सल्ले अला नबी दिल में ख्याल सुनिए मैं उसी की आकाशी बयान कर सकता हूँ सुनिए जरा जो इंसान के दिल में होता है जो मोहब्बत जिससे उसी का ख्याल मोहब्बत से सुनिएगा पढ़िए सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मद असल नमाज है यही सामने रोए यार हो असल नमाज असल नमाज शफी ना
आइए मिलकर एक बार फिर दुरूद पाक नजराना मोहब्बत के साथ झूम कर पढ़िए सल्लल्लाहु जो दोस्त बाहर बाहर तशरीफ फरमा है या खड़े हैं तो वो इधर माशाल्लाह फिर डाल देते हैं ताकि एक महफिल का ज़ौक माहौल बन जाए और लुत्फ़ आए आपको सुनने का और हमें पढ़ने का लुत्फ़ आए तो हमारे आकार वाले आते हैं तो एक बार फिर दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका हबीब अल्लाह। उमर भाई के उमर भाई शेख से आज का सवाल ये अल्लाह जेड़े खेड़े जेड़े खेड़े जेड़े खेड़े ना
मोहम्मद से मिलकर एक बार सल्लम अलैया हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैया रसूल अल्लाह वसल्लम अलैया हबीब अल्लाह बहुत पहले का कलाम बड़ा है दिल कर रहा है पढ़ माशाल्लाह सबकी हाजिरी हो जाए खुदा कहा जिबरील ने
सिदरा तलक मेरी आपको सलामत रखे, आपके रुफाका को सलामत रखे, बुलाते हैं सबको महफिल के लिए, खुद भी हाजिरी लगवाते हैं, हमारी भी लगवाते हैं, तो अल्लाह पाक इस शेर के सदके, इस नाते पाक के सदके, इस महफिल पाक के सदके, अल्लाह पाक हम सबको मदीना पाक की हाजिरी नसीब फरमाए। मिलकर सुनिएगा शेर और ईमान ताज़ा कीजिए। मदीने दे अरमान मदीने
कमले ले
जो मंगता
जे
वो मैला के फूल पेश करूंगा बस मिलकर करिएगा करिएगा सरकार का बढ़िया
माशाल्लाह क्या ही खूब समा है इस महीने में। सुनिए जरा के मौला अली का सदका पढ़ते पढ़ते मैं खुशी मना रहा था तो जो देखिए आप
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب المرسلین صلی اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میرے مولا تیری درگاہ اندر ایک صدا کوشش کیجیے گا مل کر پڑھیے گا ان شاء اللہ محفل کا ایک ذوق بنے گا Yeah.
नाश करे और यूं मेरा अरमान निकले हसरत ना मखमूर अभी हिन्द मत भरिया इस सूरत रो मैं जा जा था जा जा था के जा जे जगादा था सच या तेरा मेरी शाशा था जिस शान को शाना सब बढ़िया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मां अजमल का Yeah.
सा चुके गुनाह हमारा
मैं कोशिश करके इसके साथ ही बढ़ता हूँ। मिले हसने बहुत
एक कलाम के लिए हमारे भाई जुनैद साहब ने हुक्म दिया था, पहले वो पढ़ते हैं, फिर आखिर पे वो पढ़ देते हैं। चले पहले जो मेरे भाई ने कहा है वो पढ़ देता हूँ। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। मुझे जिस कदर इज्जतें रही हैं, ये सदका है सारा नबी का अली का। मुझे जिस कदर इज्जतें देखिएगा। अरे अरे आपकी नजर शेर है, शेर है, शेर है। किसी के लिए आया इबादत हीर उतरी, कोई नौके से बे पड़ता है पुरा, कोई नौके Thank you.
محبت سے چہرا نبی کا علی کا उन्होंने क्या खूब लिखा है, मेरी दुआ है इस कलाम का सदका, इस महफिल का सदका, अलहाज अब्दुल सत्तार नियाज़ी, अलहाज ज़ाहिद नियाज़ी, अलहाज शाहिद नियाज़ी साहब, अल्लाह पाक इन तमाम हस्तियों को करवट करवट नसीब फरमाए। सुनो खूबसूरत हबीब अल्लाह। एक नाते पाक नाते पाक भाई उमर साहब ने उमर दिया है, बस मैं यही आकर पे पढ़ लेता हूँ, इसमें मेरी मन कभी भी हो जाएगी, कोई मेरी नाशरी भी हो जाएगी। खूबसूरत कलाम से इस्तेमाल कीजिएगा। हुदूद ताईरे शेजरा
तरह उसमें नए अशआर पढ़ता हूं। हमारे व्हाट्सएप तशरीफ फरमा है कि नए अशआर पढ़ा करें। मैं इसमें कुछ नए अशआर ऐड करता हूं। हुदूदे दायरे से तेरा Oh,
चुन 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 कर क्योंकि हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं हर एक गुलाम का चेहरा जब हालत नवाज में नवाज में नवाज आका जी की पुश्त मुबारक पर इमाम अली मुकाम हजरत इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तआला आप सवार हुए इस वाक्य पर मैंने एक शेर लिखा था समाप्त कीजिएगा उदूद ताईरे शेरा हुजूर जानते जब हिजरत की रात आका जी ने अली पाक रजी अल्लाह तआला ने आपको हुक्म दिया था कि मेरे बिस्तर पर क्याम कीजिएगा सुबह उठिएगा अमानतियों की अमानते लौटाइएगा आप मेरे पीछे आ जाइएगा किसी ने दिन में अली पाक रजी अल्लाह तआला ने आपसे पूछा हुजूर रात आका जी के बिस्तर पर गुजारी कैसा महसूस किया आप फरमाते हैं कि जैसी नींद में रात सोया ऐसा तो मुझे कभी मैं कभी सोया ही चूँकि मुझे यकीन था मैंने उठना भी है अमानतियों की अमानतें भी देनी है आका जी के पीछे भी जाना है क्यों क्योंकि हुजूर ने फरमा दिया था अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका अकीदा क्या था मैंने पेश करने की कोशिश की है समाप्त कीजिएगा हुदूद ताईरे शेरा हुजूर जानते हैं चूंकि दोनों शुअरा मुझसे बड़े हैं मेरे सीनियर हैं मेरे आइडियल नातवान हैं तो मैंने इनके अदब में रहते हुए मक्ता लिखा था महमूद भाई समाज की जगह जो
नाई रे सिदरा हुजूर Ya Nabi Jaan Gar Kaafi